अभी तक के जो खबर आए उसमें एक भी ऐसा इंसिडेंट नहीं हमें मालूम हुआ है कि जिसमें कोई प्रॉब्लम हुआ हो। वो देखते हुए ये लग रहा है कि करीब सुचारू रूप से अच्छी तरह से जीएसटी की स्वीकृति देश में हो गई है और लोगों ने इसको अच्छी तरह स्वीकार किया है। जहां तक रूल्स और नोटिफिकेशन जारी करने की बात है, सब स्टेट गवर्नमेंट है अदर देन जम्मू कश्मीर, जितने भी रूल्स को नोटिफाई करना था या नोटिफिकेशन निकालने थे, वो जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट ने किया उसी नोटिफिकेशन को एसजीएसटी एक्ट में नोटिफाई कर दिया है। सो वो भी खबर हमारे पास आ गई है कि उसमें कोई दिक्कत नहीं है। वी आर क्लोजली मॉनिटरिंग दी प्राइस सिचुएशन एंड सप्लाई सिचुएशन। कैबिनेट सेक्रेटरी ने एक सेंट्रल मॉनिटरिंग कमेटी बनाई है जिसमें 15 डिपार्टमेंट के सेक्रेटरीज मेंबर्स हैं, जो मेन मेन डिपार्टमेंट है जिनका कंज्यूमर के साथ ताल्लुक है, ऐसे 15 डिपार्टमेंट के सेक्रेटरीज उसमें मेंबर है। तो वो मीटिंग में कैबिनेट सेक्रेटरी ने भी रिव्यू किया डिपार्टमेंट वाइज, और उन्होंने ये सूचना भी दिया कि उन मिनिस्ट्री को, उन डिपार्टमेंट को अपने अपने क्लाइंट ग्रुप का ध्यान रखना है और उस कॉमोडिटी में या उस ग्रुप में कोई तकलीफ ना हो, वो उनको ध्यान रखना है। उनकी कॉमोडिटी का प्राइस सिचुएशन भी मॉनिटर करना है, सप्लाई सिचुएशन भी देखना है, और उनकी जो क्लाइंट ग्रुप है उस डिपार्टमेंट की, उनके लिए रजिस्ट्रेशन माइग्रेशन की सब सुविधा में अगर कोई दिक्कत आ रही है तो वो डिपार्टमेंट मॉनिटर करेंगे, हमको बताएंगे। तो उसके लिए भी अलग अलग डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी खुद भी जीएसटी का मॉनिटरिंग कर रहे हैं। जो सेंट्रल मॉनिटरिंग कमेटी की मीटिंग कल हुई, उसकी मीटिंग दोबारा हर ट्यूजडे को होगी, हर वीक में एक बार मीटिंग होगी, कैबिनेट सेक्रेटरी खुद लेंगे उसको। लोगों को सही मायने में पता चले कि भाई किस कॉमोडिटी में कितना टैक्स कम हुआ है, वो कंज्यूमर को बताने के लिए हमने कुछ मीडिया कैंपेन भी शुरू किए जो आप देख रहे होंगे। उसमें से एक एडवर्टीजमेंट जो आज के अखबारों में है, उसमें पहले क्या था और अब क्या है, वो कंपैरिजन भी हमने कुछ आवश्यक चीजों के लिए किया है।